हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप खुद का अपना प्रीसेट कैसे बना सकते हैं। क्योंकि प्रीसेट डाउनलोड और करना बहुत मुश्किल होता है और प्रीसेट हमें जल्दी मिलता भी नहीं है, तो आप लाइटरूम की मदद से अपना खुद का प्रीसेट बना सकते हैं और उसे किसी भी फोटो में अप्लाई कर सकते हैं। तो जिससे क्या हुआ कि आपका वन क्लिक में आपका फोटो पूरा एडिट हो जाएगा, आपको फोटो एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको इस सनलाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, एक्सपोजर पर आपको 10 कर लेना है, उसे कॉन्ट्रास्ट को आपको 4 कर लेना है, हाईलाइट को थोड़ा माइनस कर देना है 15 के आसपास कम से कम, शेडो को भी आपको थोड़ा प्लस कर देना है 10 के पास कर दीजिएगा, और वाइटनेस को भी थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा और ब्लैक को माइनस कर दीजिएगा। इसके बाद आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके वाइब्रेंस को 50 कर देना है, इसे आप 50 पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपको ये रंग कलर का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके येल्लो को माइनस कर देना है, सेचुरेशन माइनस कर देना है। फिर ग्रीन पर क्लिक करना है आपको, ग्रीन पर क्लिक करके इसे ही माइनस कर देना है फुल, और इल्यूमिनेस बढ़ा देना है थोड़ा सा। फिर ब्लू पे क्लिक करके इसका भी माइनस कर दीजिएगा, इल्यूमिनेस थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। फिर से स्काई ब्लू पे क्लिक करिएगा ऑप्शन पे, फिर इसे भी माइनस कर दीजिएगा और इल्यूमिनेस थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। फिर डन कर दीजिएगा इसे, इस ऑप्शन को टर्न करने के बाद आपको इफेक्ट पे क्लिक करना है, इस वाले ऑप्शन पे टेक्सचर को थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, क्लियरिटी आपको 15 के आसपास कर देना है, इसे भी थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा इस ऑप्शन को भी। विगनेट को आपको माइनस में कर देना है, मिड पॉइंट को आपको 30 पे कर देना होगा कम से कम। फिर आपको ये ट्रायंगल वाला एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके सेफनेस को बढ़ा देना है, नॉइज रेजुकेशन पे भी आपको इसे बढ़ा देना है थोड़ा सा। तो हमारा ये फोटो ऐड हो चुका है और अब हमें इसे प्रीसेट बनाने के लिए एक सेटिंग करनी पड़ेगी आपको। आपको इस 3 डॉट पे क्लिक करके DNG में आपको इसे सेव करना है, DNG में सेव करेंगे तभी आपका ये प्रीसेट बनेगा। तो ये हो चुका है, हमारा प्रीसेट बन चुका है। अब मैं इसको किसी और फोटो में अभी आपको अप्लाई करके दिखा दूंगा। ये फिर इसके बाद इसे सिलेक्ट करके कॉपी सेटिंग कर लेना है इस फोटो को इधर, इस पे कॉपी सेटिंग करने के बाद हमें जिस फोटो पे अप्लाई करना है उस पे क्लिक करना है। अब ये देखिएगा इस फोटो पे वही जो जो सेटिंग थी वही इस पे अप्लाई हो जाएगा और ये हम वन क्लिक में फोटो एडिट हो जाएगी फुल। तो गाइस आप देख सकते हैं इस तरीके से आप वन क्लिक में फोटो एडिट कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से और आसानी में आपका फोटो एडिट हो जाएगा।